राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के ज्वाइंट सेशन को किया संबोधित। आम आदमी पार्टी ने किया बहिष्कार। केजरीवाल पर लगातार कार्रवाई के खिलाफ किया बहिष्कार। आप सांसद संजय सिंह का बयान, पीएम पर लगाया जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप। पार्टी कर रही राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार। अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति का बयान, पूर्वोत्तर में कही सरकार द्वारा शांति स्थापित करने की बात, विपक्ष ने जताया विरोध। डिप्टी स्पीकर के पद के लिए के सुरेश बने उम्मीदवार, कहा इंडिया गठबंधन और कांग्रेस तय करेगी आगे की रणनीति, चुनाव की तारीख फिलहाल तय नहीं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बयान, राष्ट्रपति को बताया सरकार की तानाशाही के लिए जिम्मेदार, राष्ट्रपति द्वारा सरकार को रोकने की कही बात। सपा सांसद आरके चौधरी की मांग, संसद से सेंगोल को हटाने की मांग, सेंगोल को बताया राजशाही का प्रतीक। सीबीआई की 3 दिन की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल, सीबीआई ने मांगी थी 5 दिन की कस्टडी, आपने लगाया जांच एजेंसियों पर भाजपा के एजेंट के रूप में काम करने का आरोप। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की बिगड़ी तबीयत, दिल्ली एम्स में किए गए भर्ती, यूरोलॉजी विभाग में इलाज जारी। एक बार फिर ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष बने सैम पित्रोदा, लोकसभा चुनाव के दौरान नस्ल भेदी टिप्पणी के कारण आए थे विवादों में, विवाद बढ़ने के कारण देना पड़ा था इस्तीफा। एलएनजेपी अस्पताल से डिस्चार्ज हुई दिल्ली जल मंत्री आतिशी, अनशन के दौरान सेहत गिरने की वजह से हुई थी एडमिट, दिल्ली जल संकट को लेकर कर रही थी अनशन।